तो आज की क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। हमने लास्ट क्लास में बात की थी कस्टम फॉर्मेटिंग की, अब बात करेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग कि हम किसी एक पर्टिकुलर कंडीशंस पे किस तरह से फॉर्मेट कर सकते हैं। तो आपके सामने मेरा डेटा दिख रहा है, मुझे इसको फॉर्मेट करना है। जैसे अगर मैं मैनुअली फॉर्मेट करता हूँ, मान लीजिए कि मैंने 30 को कर दिया, तो ए 30 इसके अंदर है, इस चीज को कोई लेना देना नहीं, इसने क्या कर दिया, जस्ट फॉर्मेट कर दिया। लेकिन मैं चाहता हूं कि अगर एक कंडीशन हो, जैसे मैं चाहता हूं कि जो 20 से ऊपर वाले है वो हाईलाइट हो जाए, और कैसे करें इसके लिए, एक एक करना तो मुश्किल होगा। तो इसके लिए हम पहले सिलेक्ट करेंगे अपने एरिया को, जिस एरिया में हमें करना है, फिर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हम जाएंगे और यहां देखेंगे हाईलाइट। हाईलाइट के अंदर हम यहां सिलेक्ट करेंगे ग्रेटर देन, क्या सिलेक्ट करेंगे, ग्रेटर देन। ग्रेटर बिल्कुल, ग्रेटर देन में आए और ग्रेटर देन में यहां जो हम है अपनी 20 दे दिए, और इसके बगल में आपको दिख रहा होगा फॉर्मेटिंग। बाय डिफॉल्ट आप देख सकते हैं कि रेड कलर हो चुका है जो जो ग्रेटर देन 20 है। ट्वेंटी और यहां पे हम सिलेक्ट कर सकते हैं, जी जैसे मैंने यहाँ पे येलो सिलेक्ट कर लिया, हमने यहाँ पे ग्रीन सिलेक्ट कर लिया, हमने यहाँ पे राइट वे सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो ये डिफरेंट फॉर्मेटिंग जी ले सकते हैं, लेकिन क्या है कि इन सब में से कोई फॉर्मेटिंग मेरे लिए यूजफुल नहीं है। तो अब यहाँ हम कस्टम फॉर्मेटिंग पे जाएंगे और यहाँ हम अपने हिसाब से फॉर्मेटिंग करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे ले लिया यहाँ से येलो एंड ओके एंड ओके, तो जहां जहां 20 से ऊपर है वहां वहां इसने क्या कर दिया, एलो कर दिया। और एलो ही नहीं किया, इसने कलर को मेंटेन रखा, क्या रखा, मेंटेन रखा। जैसे मैं यहाँ पे अगर 50 कर देता हूँ तो कलर अप्लाई हो जाए, और यहाँ पे जस्ट 13 कर देता हूँ तो कलर डिसअप्लाई हो जाए। तो और क्या क्या फीचर्स है, तो यहाँ आप देखेंगे कि हाईलाइट्स में ग्रेटर देन एक पर्टिकुलर नंबर से बड़ा, लेस देन एक पर्टिकुलर नंबर से छोटा, बिटवीन दो नंबर के बीच की, इक्वल टू। अब देखिए क्या है कि ग्रेटर देन लेस देन बिटवीन में आप नंबर्स डेट एंड टाइम दे सकते हैं। जैसे मैं चाहता हूं हाईलाइट करना 5 मई के बाद की डेट, तो कंडीशन में मैंने ग्रेटर देन यहाँ पे 05/MAY मई कर दिया, दे सकते हैं 5 मई के बाद डेट ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो गई। बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पे डेट एंड टाइम दे सकते हैं, इक्वल टू में हम कुछ भी दे सकते हैं। यहाँ हम जाते हैं यहाँ पे हाईलाइट्स में, यहाँ इक्वल टू, और इक्वल टू पे मान लीजिए कि मुझे आज की डेट हाईलाइट करनी है जो कि है 8/5/08-05 ने किया, तो हाईलाइट हो गई। अब यहाँ पे जरूरी नहीं है कि यहाँ पे मई लिखा है तो आपको मई लिखिए, आप डेट यहाँ पे लिखिए, क्या लिखिए, डेट लिखिए, वो ऑटोमेटिकली वो अपना देख लेगा। जी अब हाईलाइट यहाँ पे डेट हाईलाइट के बाद हम बात करते हैं कि एग्जैक्ट वैल्यू से मुझे कैश वाले हाईलाइट करने हैं, तो यहाँ इक्वल टू मैंने कर दिया कैश, जितने कैश है वो आपको हाईलाइट हो जाएंगे, जितने कैश है क्या हो गए, वो आपके हाईलाइट हो गए। हेलो जी क्लियर है। जी अब यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू, जैसे मान लीजिए मुझे इसमें 18 हाईलाइट करना है, तो आप इक्वल टू 18 कर सकते हो। करने का मतलब है कि इक्वल टू में आप कोई भी सेल वैल्यू दे सकते हो, वो टेक्स्ट हो सकता है, वो जी जी नंबर्स हो सकता है, वो डेट हो सकता है, टाइम हो सकता है, एनीथिंग, जी ठीक है। जी अब क्वेश्चन आता है, कभी कभी एग्जैक्ट सेल नहीं होता, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे देखिए दिल्ली है और यहाँ पे न्यू दिल्ली है। अब मैं आप दिल्ली को करूंगा हाईलाइट तो न्यू दिल्ली नहीं होगा, न्यू दिल्ली को करूंगा तो फिर दिल्ली नहीं होगा, तो ऐसा क्या करें कि जी दोनों हो जाए। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर जब आप जाते हैं तो यहाँ पे दिखेगा आपको टेक्स्ट दैट कंटेन, टेक्स्ट दैट कंटेन जी के अंदर यहाँ आप दीजिए दिल्ली, ठीक है, आपने दिल्ली दे दिया, जी हाईलाइट हो गया, कोई नहीं तो दिक्कत इसमें। सर नहीं सर।
एंड ओके कर दीजिए। तो दिल्ली हो, न्यू दिल्ली हो, कुछ भी हो, आपका है हाईलाइट कर दे। अब टेक्स्ट दैट कंटेंट के बाद डेट ऑर्गनिंग कर पे आते हैं। जैसे कि अभी भी मैंने बताया कि मैंने आज की डेट के लिए हमने इक्वल टू का यूज किया, बट प्रॉब्लम ये है कि इक्वल टू में अगर हम कर लेंगे तो आज का ही डेट दिखाएगा, कल ओपन जी करूंगा फिर भी आज का ही दिखाएगा, मतलब कि सिस्टम के साथ चेंज नहीं होगा। लेकिन डेट ऑर्गनिंग का जब इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं टूडे सिलेक्ट कर लिया तो देखिए 8 मई हाईलाइट हो गया, और 8 मई आज है, जी कल जैसे इस फाइल को खोलूंगा कल ए 9 मई 9 जो है वो नौ में जी है 9 मई आपको हाईलाइट कर रहे, ठीक है। जी। ये 9 मई आपको हाईलाइट कर रहे, और यहां चेंज कर देते हैं कि टुडे टुमोरो इन द लास्ट 7 डेज, लास्ट वीक, दिस वीक, नेक्स्ट वीक, लास्ट मंथ, दिस मंथ, नेक्स्ट मंथ, और कलर जो आप यहां सेलेक्ट करना चाहें सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके जी तो डेट ऑर्गनिंग के बाद आता है डुप्लीकेट। तो एक सिलेक्टेड एरिया हमने कर दिया, मैं चाहता हूं जो डुप्लीकेट है वो यहां से हाईलाइट हो जाए। तो डुप्लीकेट पे क्लिक करेंगे जितने भी डुप्लीकेट्स होंगे वो हाईलाइट हो जाएंगे, यूनिक करेंगे तो यूनिक हाईलाइट हो जाएगा, डुप्लीकेट करेंगे डुप्लीकेट हो जाएगा। जैसे कि देखिए मोबाइल नंबर है, मैंने इस कॉलर को सिलेक्ट कर लिया और हम जाते हैं हाईलाइट डुप्लीकेट एंड ओके करते हैं। आप देख सकते हैं जितने भी नंबर्स हैं हाईलाइट हो गए, क्यों हाईलाइट हुआ कि सारे नंबर्स डुप्लीकेट है। अब मैं यहाँ पे कोई यूनिक नंबर लिखता हूँ तो ये देखिए दिख रहा है, लेकिन जैसे ही मैं यूनिक नंबर नीचे कहीं लिखता हूं देखेंगे आपका दोनों हाईलाइट हो गया। तो नंबर जी एक बार आया या एक से ज्यादा बार आया तो दोनों को जी आपको हाईलाइट करेंगे, ठीक है। जी अब क्वेश्चन आता है कि इसके अंदर कुछ फीचर मिसिंग है, जैसे कि आप देख सकते हैं ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं, लेस देन इक्वल टू नहीं, नॉट इक्वल टू नहीं है, नॉट बिटवीन नहीं है, ये सारे फीचर्स आपको यहां मिले। जैसे कि यहां पे देखिए जी जी ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, आपको पूरा दिख रहा है। आप सेलेक्ट कीजिए, जी यहाँ पे फीचर दीजिए, फॉर्मेट में जाके अपना कलर अप्लाई। उसी तरह से अगर जी मैं यहाँ पे टेक्स्ट वैल्यू के जगह पे टेक्स्ट सेलेक्ट करता हूँ तो बाहर सिर्फ कंटेनिंग था, यहाँ पे बिगेन भी था नॉट कंटेनिंग और बिगेन भी। जैसे मान चाहता हूँ कि भाई दिल्ली हो स्टार्टिंग में या नील पहले में हो लास्ट में दिल्ली हो, यहाँ पे आप जी कंडीशंस लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ और भी चीजें, लेकिन इसमें एक है एरर, जैसे आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक डेटा है जिसमें बहुत जगहों पे एरर है, बहुत जगह पे नंबर्स है। अब मुझे एरर को नहीं शो करना है, हालांकि एरर को ना शो करने के लिए तो हमारे पास इफ एरर जैसे फॉर्मूला है, इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन क्या है कि हम इसको कंडीशनल फॉर्मूला से करना चाहते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग से करना चाहते हैं, तो कैसे करें चलिए दिखाते हैं। हम इसको सेलेक्ट करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, मोर रूल्स, और यहां पे आएंगे हम सेलेक्ट करेंगे अपना एरर और फॉर्मेट में आएंगे, और इसकी जो फॉन्ट है वो व्हाइट कर दूंगा क्योंकि बैकग्राउंड व्हाइट है तो फॉन्ट भी व्हाइट हो जाएगा, तो व्हाइट पे व्हाइट दिखेगा जी नहीं, जी नहीं दिखा, क्लियर नहीं दिख रही है। जी है। जी जी तो इस तरह से आप चीजें कर सकते हैं। तो हाईलाइट के जी बाद बात करते हैं टॉप बॉटम। जैसे मुझे इसमें से टॉप 10 को हाईलाइट करना है या बॉटम 10 को हाईलाइट करना है तो कैसे करें, तो इसको सेलेक्ट कीजिए और यहां पे चले जाइए टॉप बॉटम, टॉप 10, जो टॉप 10 है हाईलाइट हो जाएगा। अब बोले सर 2020 हुआ, अगर 20 10 बार रिपीट है तो क्या करेगा। मैं यहाँ सही पे काम बात करता हूँ 20, यहाँ पे 25 करता हूँ, देखिए 25 भी हो जाएगा, 27, 29, ठीक है। उसी तरह से जी आप यहाँ पे बॉटम 10 को या 20 को जो भी हो आप यहाँ चेंज कर सकते हैं ना, यहाँ पे
परसेंटेज के अकॉर्डिंग के भाई जी इसका कंट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग क्या पोजीशन है वो उसके अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं। टॉप 10% बॉटम 10 आइटम में आते हैं तो नीचे से करेगा, और बॉटम 10% आपको परसेंटेज के अकॉर्डिंग कंट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग करेगा। अब यहां पे जी आता है जी अबव एवरेज। अबव एवरेज क्या होता है? अबव अबव एवरेज 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 तो ये जो दिख रहा है सिलेक्टेड एरिया के, यहाँ एवरेज आपको 50 दिख रहा है, तो अब मैं इसको जी अबव एवरेज कर दूं तो क्या करेगा, जो 50 से ऊपर उसको हाईलाइट कर देगा। और तो हाईलाइट ही जी नहीं, ये चेंज भी करते रहे, ठीक है ना। कल के डेट में अगर मान लीजिए कि आपकी नंबर चेंज होती है, नंबर चेंज होते ही क्या होगा, आपका एवरेज चेंज होगा, और एवरेज चेंज होगा जी तो ए भी जी अपने आप को चेंज कर लेगा, ए भी अपने आप को चेंज कर लेगा। ठीक है, जी अब इसमें आगे बढ़ते हैं। तो टॉप बॉटम समझ में आ गई आपको? जी टॉप बॉटम के बाद आता है डेटा बार। क्या होता है, जैसे एक सिलेक्टेड एरिया आपको दिख रहा है तो इस तरह का पोजीशन पता चल जाता है, कौन बड़ा है कौन छोटा है, मतलब जी कि पोजीशन, मतलब कि अब इस पे इतना बड़ा डेटा के ऊपर हम बार चार्ट नहीं लगा सकते ना, और मुझे देखना है कि भाई जो 20 है ये हाईएस्ट में आता है या लोएस्ट में आता है या मिडल में आता है, तो कैसे पता चले। इसके लिए जो है हम इसको सिलेक्ट करेंगे, और सिलेक्ट करने के बाद कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाएंगे, और यहां पे हम डेटा बार इस्तेमाल, ठीक है। अब यहां पे देखिए जैसे जैसे नंबर मेरा बढ़ेगा डेटा बार भी हमारा बढ़ता जाएगा, बढ़ रहा है जी अब जैसे कि यहाँ पे कलर स्केल भी है, अगर मैं कलर स्केल की बात करूं तो यहाँ पे कलर स्केल, तो स्केलिंग उसके हिसाब से सेट होगा जो आप सिलेक्ट करेंगे। देखिए ग्रीन टू रेड गया, या रेड टू ग्रीन कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन आता है कि मुझे बार जो बनानी है वो यहाँ नहीं बनानी, जस्ट इसके बगल वाले कॉलम में बनानी, तो कैसे करेंगे। तो इसको सिलेक्ट करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर जाएंगे, और यहाँ आपको हम बार अप्लाई करेंगे, ऐसा कोई ऑप्शन आपको नहीं दिख रहा है जो कि हम नेक्स्ट कॉलम में बार अप्लाई कैसे जी करें। तो इसके लिए तरीका है, अब इसका तरीका क्या समझिए, हम क्या करेंगे कि एक कॉम्प इक्वल करके हम इसके बगल वाले सेल को लिंक कर, ताकि बगल वाला सेल अगर चेंज होता है तो ये अपने आप को चेंज कर रहा है। जी फिर कंडीशन फॉर्मेटिंग में हम आते हैं, और यहां मैनेज रूल में जाते हैं, नहीं, माफ कीजिएगा, पहले हम बार अप्लाई करेंगे ना, पहले हम बार अप्लाई कर दिए, फिर कंडीशन फॉर्मेटिंग में आते हैं। हाँ भैया, हेलो, ठीक है, क्लास ले रहे, क्लास ले रहे, ठीक क्लास के बाद बात करते हैं। ठीक क्लास को भी बनाए, भी क्लास को भी यहाँ पे सो पारो हमने क्लिक किया एंड ओके एंड अप्लाई।
ठीक है, जी जी नंबर आ गया अधिक आपको, क्लियर हाँ जी हाँ है? बिल्कुल सर बिल्कुल चलिए, अब यहाँ पे आइकन के बाद हम बात बार के बाद हम आइकन पे बात करते हैं। इस तरह के आइकन दे सकते हैं आप, ठीक है, क्योंकि बार में थोड़ी सी ओके कंफ्यूजन होती है, लेकिन आइकन आपको क्लियर समझा देता है कि क्या कर, ठीक है। तो मैंने इसको सेलेक्ट किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए और यहाँ हम गए आइकन। अब इस पे आइकन पे क्लिक करते हैं तो यहां से आइकन यहाँ पे आता है, ठीक है, जो आइकन सेलेक्ट करना सेलेक्ट कर। अब बोले से आइकन से क्या बेनिफिट, बहुत बेनिफिट है। जैसे नंबर आपके सामने दिख रहा है, अब छोटा अमाउंट है तो आप बता देंगे कि हाँ क्वार्टर वन ज्यादा सेल हुआ, क्वार्टर टू क्यों कम सेल हुआ, लेकिन यही अमाउंट अगर कोई बड़े अमाउंट में कन्वर्ट हो जाता है इस तरह से, तो क्या लग रहा है, इनके बीच में हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग के आइकन्स इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइकन क्लियरली समझा देगा ना कि किसमें बड़ा है और जी किसमें छोटा है। जी लेकिन का बात आती है कि हम आइटम को कस्टमाइज कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में मेरे पास यहाँ पे एक स्कोर आया हुआ है और यहाँ एक कंडीशन है कि अगर 60 से ऊपर हुआ तो पास, 40 to 60 हुआ तो रीटेस्ट, और less than 40 हुआ तो फेल। ये कैसे अप्लाई करें? तो इसके ऊपर हम कर्सर रखेंगे, कंडीशन फॉर्मेटिंग में आइकन्स में हम ए वाले आइकन जो है वो यूज कर देंगे। दिख रहा है? टिक का निशान, एक्सक्लेमेशन मार्क एंड क्रॉस, राइट। अब जी इसमें क्या करेंगे कि हम क्वेश्चन पूछिए। ये जो जैसे स्कोर्स में स्कोर्स कहीं में कहीं पे जो हाई जो स्कोर है हाई उस पर राइट स्कोर आया है है, उसमें जो लो है उसमें क्रॉस आया है, तो इस सिस्टम ने कैसे आइडेंटिफाई किया कि किस पे राइट देना है और किस पे क्रॉस देना है और किस पे तो मैं वो बता रहा हूँ ना, यहाँ पे क्या हुआ कि इसने इसको परसेंटाइल फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तीन कैटेगरी में बांटा। यहाँ पे दिख रहा होगा, सिक्सटी ओके सेवन से ऊपर 33। अब ये जो है ए 67 द नंबर नहीं है, 67 जी परसेंटेज है, इसका कंट्रीब्यूशन परसेंटेज है, ठीक है ना। जी अब यहां हम परसेंटेज को हटा के नंबर कर देते हैं और यहां हम अपना डिसाइड करते हैं कि यहां पे 60 और यहां पे हमारा 40 आएगा। तो 40 to 60 के बीच में एक्सप्लेनेशन मार्क आएगा, ग्रेटर देन 60 के बीच में क्रॉस आएगा और less than 40 के बीच में ये आएगा। देन ओके, देन जी अप्लाई, ठीक है। जी जी क्लियर है? जी और इसमें और भी सर इसमें भी स्कोर सर वाले में स्कोर भी वाले अगर में भी बाजू अगर वाले बाजू सेल में वाले सेल में हमको ये हमको ये साइंस लाने हैं साइंस तो हम लाने वैसे ही हैं तो हम वैसे करेंगे। ही करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल। अब यहाँ पे जैसे 3 2 1 कर दिया, सिंबल बताना भी तो है क्या। जी यहाँ पे हम करते हैं आइकन्स में आइकन्स और ये वाले आइकन अप्लाई करते हैं। फिर हम मैनेज रूल्स में जाते हैं, डबल क्लिक करते हैं और यहाँ पे सो आइकन, एंड ओके एंड अप्लाई एंड जी अब बात आती है सेल लिंक। जैसे कि मैं चाहता हूं कि यहाँ पे 60 डालो तो जो भी जहां 60 है वो हाईलाइट हो जाए, 75 डालो 75 हाईलाइट हो जाए, 85 डालो 85 हाईलाइट। तो ये चीजें हम कैसे करें, क्योंकि यहाँ आप देखेंगे इक्वल टू यहां से हम लगाते हैं ना, जैसे मैंने इक्वल टू में मैंने मान लीजिए कि 35 या 50 कर दिया, तो मैं यहाँ पे मैनुअली 50 नहीं कर सकता। हम यहाँ पे इजिली हम सिलेक्ट कर सकते हैं अपना ए लोकेशंस को, V2 देन ओके। अब यहाँ पे 45 डाला, 65 डाला, 75 डाला, 85 डाला और यहाँ पे 45 डाल, ठीक है। जी अब बात आती है क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक बैलेंस लगा हुआ है, उसको रिमूव करता हूँ। यहाँ देख सकते हैं कि ये प्रॉफिट है और ये अमाउंट है। अब यहाँ पे कितना प्रॉफिट है वो नहीं, हाँ प्रॉफिट परसेंटेज जो है वो दिख रहा है, पर कितना प्रॉफिट है वो नहीं दिख रहा है।
तो मुझे यहां पे दिखाना है कि आखिर प्रॉफिट हुआ कितना, प्रॉफिट जी हुआ ये मुझे ये दिखाना है, ठीक है? तो जी कैसे दिखा, तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे यहां पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हमने गए न्यू रोज और यहां पे यूज फॉर्मूला दिख रहा होगा। अब यूज फॉर्मूला में मैंने क्या सिलेक्ट किया कि जे, यहां पे जे टू मल्टीप्लाई बाई अमाउंट इज ग्रेटर देन 5 1, कि अगर 500 से ऊपर का अगर है तो हाईलाइट हो, नहीं तो नहीं। मतलब अगर प्रॉफिट 500 से ऊपर है तो पूरी की पूरी रो हाईलाइट करना है। अब जो टू क्या आएगा, डॉलर साइन है ये तो हटा देंगे, नहीं तो क्या होगा, सब टू ए के भी आप से करेगा, जी, सब में वही लगा देगा। ठीक है ना, सब में वही लगा देगा। सर जे कभी तो ना हटाना पड़ेगा, जे टू। चलिए 1 मिनट, नहीं नहीं गलत हो गए, जे करें, जे का आई करें, जे कॉलम तो फिक्स है ना हमारा, जे और आई कॉलम फिक्स है ना, हमें सिर्फ टू के आगे का हटाना है, ठीक है हाँ ना। वही टू क्या जी। और फॉर्मेट में गए और यहाँ पे हमने अपनी कलर वगैरह दे दी, एंड ओके एंड ओके, और फिर फॉर्मेट पेंटर से मैंने इसको कर दी पैक, हो गए। अभी अलग अलग फॉर्मेट में आ गया तो इसको चेक करो, जहां 500 के ऊपर आया है वो हाईलाइट हो गए। जी हाँ पूरा कट हो। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, यहाँ पे आपने देखा कि हम कंडीशंस कैलकुलेट करके कहीं और कहीं और कंडीशन दिए, कहीं और हमने क्या लगाया, फॉर्मेटिंग लगाया। जी अब यहाँ पे फॉर्मूला को देखते हैं क्या है। अब जैसे कि मैं चाहता हूं कि अगर यहां पे नंबर है तो ठीक है, अगर जैसे ही टेक्स्ट है हाईलाइट कर। अब क्वेश्चन आता है कि अगर इसके अंदर टेक्स्ट है ये पता कैसे चलेगा, इसके अंदर टेक्स्ट है तो पता कैसे चलेगा। तो इसको पता करने के लिए हमारे पास सिंपल तरीका है, क्या तरीका है, हम करेंगे यहां पे एक कॉल इज टेक्स्ट, क्या करेंगे इज टेक्स्ट, रिजल्ट आएगा ट्रू या फॉल्स, नंबर है तो ट्रू अदरवाइज फॉल्स, ट्रू या फॉल्स। फॉल्स आप इसको सेलेक्ट करेंगे, यहां हम न्यू रूल्स के अंदर जाएंगे यूज फॉर्मूला और यहां पर इक्वल इज टेक्स्ट ब्रैकेट ओपन और यहां पे A2 सेलेक्टर्स A2 एंड फॉर्मेट में गए और हमने अपने फॉर्मेटिंग को सिलेक्ट कर, देन ओके देन एंड फॉर्मेट प्रिंटर से नीचे की तरफ पेंट करें, ठीक है। जी। उसी तरह से यहां पे हम लगा सकते हैं यूनिक नंबर, कि भाई सिर्फ यूनिक है तो इसके हम एक काउंटिंग परफॉर्मर लगाएंगे, चलिए समझाते हैं आप। क्या है कि मुझे क्या करना है कि हाईलाइट डुप्लीकेट जब हम करते हैं तो उसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि हमारे दोनों नंबर हाईलाइट हो जाती है। देखिए मैं चाहता हूं जो पहला 1 है या पहला 2 है या पहला 3 है वो हाईलाइट ना हो, पहले के बाद जितना है वो सारा का सारा हाईलाइट। तो जी कैसे करें इसको, तो इसको करने के लिए हम यहाँ काउंट इन का फॉर्मूला दिख रहा होगा, सेम होगा कि A2 से A2 सेमीकोलन A2 और कॉमा A2, और पहले वाले A2 को कर दीजिए फ्रीज और उसको कीजिए नीचे ड्रैग। जैसे ड्रैग करेंगे तो यहाँ ये 1 पहला वाला है, नॉन 2 वाला आया तो यहाँ पे क्वेश्चन 2 आएगा, मतलब जो काउंट का रिजल्ट आएगा 2 आएगा। अब इसी काउंट इन फॉर्मूले को आप कर ले। अब बोले से काउंट इन फॉर्मूले कैसे वर्क कर रहा है, तो ये चीजें हम आपको समझाएंगे फॉर्मूला की क्लासेस, ठीक है। ओके अब यहाँ पे यूज फॉर्मूला पे जाते हैं और इसपे यहाँ पे पेस्ट करके और बोलते हैं कि ग्रेटर देन 1, हमने क्या बोला एक से बड़ा हो, और फिर हमने यहाँ पे कॉपी कॉपी कलर दे दिया एन ओके, और फिर फॉर्मेट पेंटर से हमने नीचे की तरफ पेंट करा।
जी अगर हम कंडीशन आउट बढ़ते हैं थोड़ा सा, तो जैसे कि यहाँ पे सैटरडे संडे को हाईलाइट करना है, ठीक है करना है सर, तो प्रॉब्लम क्या है कि हम यहाँ पे दो बार लगा सकते हैं कि हम यहाँ पे इक्वल टू सैटरडे, मतलब कि एक ही आप एक एरिया में एक से ज्यादा बार कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे सैटरडे नहीं देखिए, सैटरडे हाईलाइट हो गया, यहाँ पे हम संडे करते हैं तो यहाँ पे संडे हाईलाइट हो गया, जी सैटरडे किया सैटरडे हाईलाइट हो गया, और संडे किया तो संडे हाईलाइट। क्लियर है? जी तो कैसे करें और कैसे करें? तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हम जाएंगे, अब इसमें कई बार क्या होता है कि कई बार हमारे पास काफी ज्यादा होते हैं तो उतना बार लगाना मुश्किल होता है, तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लगाया फॉर्मूला और कि और क्यों दिए, क्योंकि एक सेल में सैटरडे हो सकता है या संडे हो सकता है, लेकिन मैं एक गलती कर रहा हूँ, फॉर्मूला लगाते समय कभी पूरे के पूरी कॉलम को सिलेक्ट नहीं करना है, हमें सिलेक्ट करना है ओनली फॉर एक सिंगल सेल, न्यू यूज यूज फॉर्मूला, और यहाँ पे इक्वल लिखते हैं, और यहां पे लिखते हैं ए टू इक्वल टू सैटरडे कॉमा ए टू इक्वल टू संडे, ठीक है। जी और इसमें कोई डॉलर सोलर साइन लगाने की जरूरत नहीं, हमने फॉर्मेट में गया कलर लिया एंड ओके एंड ओके, और फॉर्मल पेंटर से हमने पेंट कर। इसी तरह से मुझे मान लीजिए जो नंबर है वो 10 डिजिट से ज्यादा हो तो हाईलाइट हो जाए, या कम हो तो हाईलाइट, तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है लेन का, लेन फॉर्मूला बताता है डिजिट कितना डिजिट है, लेकिन इसको हम ऐसे नहीं लगा सकते, इसको हम लगाएंगे किसमें, एंड के अंदर। क्यों? क्योंकि ब्लैंक भी हाईलाइट हो जाएगा ना, क्योंकि ब्लैंक सेल में लेन का फॉर्मूला आएगा 0, और 0 भी तो नॉट जी इक्वल टू 10 होता है, जी तो यहां पे मैंने लगाया एंड लेन, लेन का रिजल्ट नॉट इक्वल टू 10 हो और साथ में लेन का रिजल्ट ग्रेटर देन 0, जीरो जीरो एक ही अप्लाई किया, फिर फॉर्मेट प्रिंटर से नीचे की तरफ पेंट, ठीक है जी ओके करते हैं अप्लाई एंड ऑफ। क्लियर है? तो जी सर जी ना डाउट्स में अब सारे कंडीशन में ना कीजिए प्रैक्टिस, और साथ में एक अटेंडेंस बनाना है आपको, एक अटेंडेंस का ऑटोमेटिक फॉर्मेट बनाना है, जैसे कि यहां पर है, ठीक ओके है, यहां पर अगर हम चेंज करते हैं जून तो पूरा जून के अकॉर्डिंग होगा, तो सेम जैसे बना है ना वैसे बनाने की कोशिश करें। जी ये ठीक है सर फाइल मैं ठीक आपको भेज देता हूँ। ठीक है सर ठीक है सर। चलिए।